दोस्तों, तुर्की में एक प्रोड्यूसर मेहमत बोजदाग ने एक ड्रामा क्रूलस उस्मान प्रोड्यूस किया है, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के क्याम के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि एक ऐसी सल्तनत उस्मान गाजी की सरबराही में कैसे कायम हुई जिसने तकरीबन 623 साल तक 2 करोड़ मुरबा किलोमीटर के इलाके पर हुक्मरानी की। दोस्तों, इस ड्रामे ने अपनी मकबूलियत की वजह से बहुत जल्द लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। दोस्तों, तारीख में उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून का किरदार क्रूलस उस्मान में ओजगे टोरा नामी एक अदाकारा पेश कर रही हैं। क्रूलस उस्मान सीजन में बाला खातून को देखने के बाद इस ड्रामे के फैंस तारीख के इस अहम किरदार के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमें मालूम है कि आप जानना चाहते हैं कि बाला खातून उस्मान गाजी की पहली बीवी थी या दूसरी और इनका मुकम्मल नाम क्या था। तो दोस्तों, हमने बाला खातून के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, जैसे कि बाला खातून कौन थी, इनका पूरा नाम क्या था, बाला खातून और उस्मान गाजी की मोहब्बत की कहानी क्या थी, उस्मान के जानशीन ओरहान गाजी की वालदा कौन थी, बाला खातून का इंतकाल कब हुआ, बाला खातून का मकबरा कहाँ वाक़िया है। जी हाँ, तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फौरन मिल जाया करें। दोस्तों, उस्मान गाजी की पहली शादी 1280 ईस्वी में हुई थी, जब उन्होंने अनातोलिया के एक ताकतवर सुलजोक वजीर उमर अब्दुल अजीज़ बे की बेटी मलहन खातून से शादी की। ये भी रिकॉर्ड किया गया है कि वही मलहन खातून उस्मान के जानशीन ओरहान गाजी की वालिदा थीं। उस्मान गाजी की दूसरी शादी 1289 में हुई, जब उन्होंने इस जमाने के मशहूर रूहानी शख्सियत शेख अदिबाली की बेटी राबिया बाला खातून से शादी की। वो सल्तनत उस्मानिया के अलाउद्दीन पाशा की वालिदा बनी। इनका नाम यूरोप की तारीख में राबिया बाला खातून है और दीगर तीन अहम मौरखीन असिक पासा जैद, किमल पासा जैद और नसरी में मलहन बाला खातून है। दोस्तों, यकीनन अब आपके जहन में ये उलझन पैदा हो गई होगी कि आखिर शेख अदिबाली की बेटी का नाम क्या था, मलहन बाला खातून या फिर राबिया बाला खातून। दोस्तों, आज के सबसे काबिल उस्मानी मौरख यानी कि हिस्टोरियन प्रोफेसर डॉक्टर ए सिमसर गिल ने राबिया बाला खातून की तरफ इशारा दिया है, लेकिन या तो वो मलहून थी या राबिया, लेकिन यकीनन उनके नाम के साथ बाला खातून मौजूद था और इसी वजह से क्रूलस उस्मान सीजन में इनका नाम बाला खातून के नाम से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, बाला खातून सल्तनत उस्मानिया के पहले अजीम सुल्तान उस्मान गाजी की दूसरी बीवी थीं। इनकी तारीख पैदाइश का तो इल्म नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि वो अनातोलिया में पैदा हुई थीं। वो शेख अदिबाली की बेटी थीं, जिन्होंने 1289 ईस्वी में उस्मान गाजी से इनकी शादी का अहतमाम किया। शेख अदिबाली ने उस्मान गाजी से इनकी नई मुस्लिम रियासत के क्याम के ख्वाब के बारे में जानने के बाद इनकी शादी पर इत्तफाक किया। उस्मान गाजी से शादी के बाद बाला खातून को बिलिचिक ज़िला में एक गांव से नवाजा गया। बाला खातून का इंतकाल जनवरी 1324 में हुआ। बाला खातून को बिलिचिक में अपने वालिद शेख अदिबाली के मज़ार में दफन किया गया। इनके पोते पोतियों के नाम यिल्दिरीम बेयज़िद, याकूब सलेबी, नफीसे खातून, सुल्तान खातून, हलील बे, इब्राहिम बे, मुराद अव्वल, सुलेमान पाशा, शहजाद हलील और फातिमा खातून थे। दोस्तों, ओजगे टोरा तुर्की के एक मशहूर अदाकारा हैं, जो अब क्रूलस उस्मान सीजन में बाला खातून का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बाला खातून के बारे में हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को भी जरूर दबाइए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।